नमस्कार दर्शकों, टाइम्स नाउ नवभारत की ऑपरेशन शीश महल की मुहिम लगातार जारी रहेगी। नवभारत ना झुका है ना कभी झुकेगा, नवभारत ना डरा है ना कभी डरेगा, नवभारत पत्रकारिता के अपने कर्तव्यों से ना पीछे कभी हटा है ना हटेगा, नवभारत सच के साथ है और सच के साथ हमेशा रहेगा। हमारा धर्म एक ही है, पत्रकारिता। केजरीवाल के शीश महल पर हमारे खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बदला लेने पर आ गई है। केजरीवाल अपने शीश महल में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन देश की रिपोर्टर बेटी आज जेल में है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमारा धर्म है सवाल पूछना, लेकिन नवभारत के सवाल शायद अरविंद केजरीवाल को इतने चुभे कि पहले उन्होंने हमारी महिला रिपोर्टर भावना किशोर और कैमरामैन मृत्युंजय कुमार और ड्राइवर परमिंदर को कवरेज करने से रोका और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शीश महल पर सवाल पूछने पर पहले दिल्ली में हमारे रिपोर्टर्स पर हमला पहले भी हो चुका है। जब हमने केजरीवाल से पंजाब के लुधियाना में सवाल पूछे तो हमारी रिपोर्टर भावना किशोर को झूठे केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल है कि 45 करोड़ के शीश महल के खुलासे से इतना डर गए श्री अरविंद केजरीवाल? और ये सवाल हम पूछते रहेंगे, क्योंकि अगर दम दिखाना है तो हम पर दिखाइए जिन्होंने 30 साल पत्रकारिता की है और आपके सामने खड़े होकर ऑपरेशन शीश महल में आपके घर की कच्चे चिट्ठे को दुनिया के सामने लाकर रख दिया, पहले कागज और 10 दिन तक हम आपसे पूछते रहे, मुख्यमंत्री जी दरवाजा खोलिए, हमारे रिपोर्टर अंदर आएंगे, दुनिया को दिखाइए 45 करोड़ का शीश महल कैसा होता है। जब आपने नहीं किया ऐसा तो हमने खुद अंदर की तस्वीरें निकाल कर रख दी देश के सामने। क्या इस बात का बदला लिया जा रहा है भावना किशोर, मृत्युंजय कुमार और परमिंदर से? क्यों हम तो यहां खड़े हैं, आइए अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन क्यों रिपोर्टर पर इस तरह से कहर बरसाया गया? क्यों जब इनविटेशन आम आदमी पार्टी के मीडिया कन्वीनर आदिल आजमी ने खुद इनविटेशन भेजा, जब इनविटेशन भेजकर पब्लिक इवेंट कवर करने के लिए रिपोर्टर पहुंची तो अरेस्ट कर लिया? क्या किया, कैसे किया, ये मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगी, क्योंकि आज इस झूठ का पर्दाफाश होकर रहेगा। अगर शीश महल का पर्दाफाश करने की वजह से हम पर यह किया गया है जुल्म, भावना किशोर को अरेस्ट करके, तो हम इस झूठ का भी पर्दाफाश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव, अनुज, भावना और बरखा हमारे साथ हैं। सबसे पहले अनुज आपसे पूछना चाहूंगी, अनुज इस वक्त पंजाब या आम आदमी पार्टी से कोई भी आपको जवाब दे रहा है कि भावना किशोर, मृत्युंजय कुमार और परमिंदर को अरेस्ट क्यों किया गया, क्योंकि तस्वीरें तो कुछ और ही बता रही? जी बिल्कुल नाविका जी, कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कल भावना को सबसे पहले गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया, उसके बाद से ही हम लगातार पंजाब पुलिस से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। डीजीपी से लेकर तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको हम फोन कर रहे थे, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था, और जो उठा भी रहा था वो सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा था। आज सुबह भी हमने कई बार जो अधिकारी हैं उनको फोन करने की कोशिश की, हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार भावना का कसूर क्या था, किस तरीके से भावना को गिरफ्तार किया गया, जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो किन आधार पर लगाए गए हैं, साथ ही साथ SC ST एक्ट के तहत जो मामला दर्ज किया गया है वो कैसे किया गया, क्या सबूत पंजाब पुलिस के पास है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हम लगातार पंजाब पुलिस को फोन कर रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस की मजबूरी ऐसी, और मजबूरी क्यों ना हो नाविका जी, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की है, और आम आदमी के जो रसूखदार लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, वो लगातार पंजाब पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। पंजाब पुलिस पर दबाव सत्ता में कानून का किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है वो दिखा रहे हैं।
हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जयवीर शेरगिल, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा जी पंजाब के लीडर हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, अवनिजेश अवस्थी जी राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयवीर शेरगिल, आप तो पंजाब में हैं, पूछना चाहती हूं कि क्या कानून पंजाब में इस तरह चलेगा कि एक पब्लिक फंक्शन में अगर कोई रिपोर्टर जाए और इनविटेशन पर जाए, जबरदस्ती कोई नहीं गया, इनविटेशन बकायदा मेरे फोन पर आया था और वो इनविटेशन डिसअपियरिंग मैसेजेस के थ्रू अब वाइप आउट कर दिया गया है, लेकिन इस फोन पर आया है और मैं एफिडेविट देने को तैयार हूं और इस पर मेरी चर्चा भी हुई आम आदमी पार्टी के कन्वीनर से कि हमें भी आप न्योता दे रहे हैं, और न्योता दिया गया उसके बाद रिपोर्टर जाता है और ना उसे रैली के ग्राउंड पर जाने दिया जाता है, प्लेन क्लोज में लोग उसे रोकते हैं, इंटिमिडेट करते हैं, और फिर एक पुलिसकर्मी जो एक महिला रिपोर्टर के साथ खुद बैठ जाता है, पुरुष पुलिसकर्मी जिसने अपना बैज भी उतार दिया ताकि हमारा जो एक ही हथियार है कैमरा वो उनका नाम ना जान सके। जयवीर शेरगिल, ये किस तरह का कानून चल रहा है, कानून व्यवस्था किस तरह की चल रही है पंजाब में? नाविका जी, दो तीन बातें कहना चाहूंगा। आप भी पंजाबी हैं, पंजाब में कहा जाता है जिसको न्योता देके बुला के, जी आया नू, सबका स्वागत है। भगवंत मान और केजरीवाल ने पत्रकार का, नव भारत का की जो रिपोर्टर है उन्हें गिरफ्तार करके पत्रकारिता पे नहीं पंजाब की छवि को भी ठेस पहुंचाने का काम किया है, पॉइंट नंबर एक। दूसरा, सिर्फ आज सत्य है आलीशान आदमी, आम आदमी नहीं, जो नव भारत ने आलीशान आदमी केजरीवाल आज सत्य से परेशान हो गया है और सत्य से डरता है। तीसरा, मैं कल से लगातार आपकी कवरेज देख रहा हूं, देखिए मिसप्लेस प्रायोरिटी। केजरीवाल और भगवंत मान को जब जोर दिखाना था, जो पत्रकारों पे जोर दिखाते हैं, तो ये सिद्धू मूसेवाला के जो गैंगस्टर राज है, उनके पिता जो इंसाफ मांग रहे हैं, उनको क्यों ना जोर दिखाएं? जो एक कांस्टेबल मनदीप सिंह मार दिया, उनके हथियारों पे ये जोर नहीं दिखाया। 11 साल की बच्ची का पत्रकार एक चलती कार में बलात्कार हो गया पटियाला में, तब ये सरकार सुस्त रही। तो पत्रकार और पत्रकारिता को डराने में चुस्त, पर गैंगस्टरों को पकड़ने में सुस्त, ये है केजरीवाल और भगवंत मान का। तीसरी बात नाविका जी, एक पैटर्न चल रहा है केजरीवाल और भगवंत मान की सरकार में, जो सच्चे पत्रकार हैं उनका गला घोटने का काम कर रहा है। विधानसभा में भी कई पत्रकारों की एंट्री बंद कर दी गई है, कई टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया का भी और कई अखबारों की इश्तेहार बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी अब जो आलीशान आदमी हो गए हैं, वो सत्य स्वीकार नहीं कर सकते, पर वो भूल गए, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, सत्य चांद और सूरज छुपाए नहीं छुपते। तो केजरीवाल और भगवंत मान जी को मैं ये कहूंगा कि पंजाब में खास करके एक महिला को लेके, जो हमारी परंपरा है, सभ्यता है, पंजाबियत है, उस पे वार हुआ है। चौथे स्तंभ पत्रकार को गला घोटे, पर वो भूल गए हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, पर ये चौथा स्तंभ हमारे लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। और आखिरी बात कहना चाहूंगा नाविका जी, केजरीवाल और भगवंत मान जी को चाहिए, जैसे कहा नाविका जी 30 साल से उनपे जोर दिखाएं, तो ये सारी जो निडरता है बदले ये है, ये कहां चली जाती है जब गैंगस्टर राज आता है, कहां चली जाती है जब बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, 200 से अधिक बच्चे ओवरडोज से मर गए हैं। हम भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 19 घंटे हो चुके हैं अब तक भावना किशोर पर जो एफआईआर है वो लिखित में एफआईआर भी हमें नहीं दी गई है। ये किस तरह का कानून है कि पुरुष जो कर्मी है, पुलिस कर्मी है, बिना बैच के उसे अरेस्ट करता है? अवनिजेश अवस्थी जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अवनिजेश अवस्थी जी, महिला पत्रकार, पत्रकार का कोई जेंडर नहीं होता, वो पत्रकार होता है, लेकिन एक महिला पत्रकार को आप अरेस्ट करते हैं, मेल पुलिसमैन बैठता है गाड़ी में उसके साथ, बिना बैज के बैठता है, और मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी आपको अवनिजेश अवस्थी जी, ये तस्वीरें बताती हैं कि असल में सच क्या है, और ये तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर आएंगी। यहां सामने पुलिसकर्मी बैठा हुआ है गाड़ी में, भावना किशोर को साथ में, हमारी गाड़ी है, ये पहली तस्वीर, इसमें देखिए यहां पर जहां बैज लगा होता है, बैज गायब है। बैज क्यों गायब है? क्योंकि आप बताना नहीं चाहते कि आप हैं कौन, आपका नाम क्या है।
और यहाँ पर आप देख लीजिए दो स्टार लगे हुए हैं, पंजाब पुलिस का यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पिन में जो आई ऑफ द पिन होता है वहां पिन की जगह दिख रही है लेकिन बैज उतरा हुआ है। और ये आपको पूरा सीक्वेंस दिखाऊंगी कि किस तरह में गाड़ी में और बाहर खड़े रिपोर्टर पूछ रहे हैं कितने लेके जा रहे हो, कहाँ लेकर जा रहे हो, कोई जवाब नहीं, शीशा ऊपर कर लिया जाता है और भावना को ले जाते हैं हमारी ही गाड़ी में वहां से। इससे पहले का भी आपको सीक्वेंस एक दिखाऊंगी। इस सीक्वेंस में भावना किशोर जा रही है रैली ग्राउंड पर, पब्लिक फंक्शन है, बाय इनविटेशन मीडिया वहां पहुंचती है और जब वो जा रही होती है तो बैरिकेड्स के पास उसे रोका जाता है, उसे अंदर अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। आप ये सीक्वेंस देखिए, ये इंतजार कर रही है कॉन्वॉय आने का, यहां पर खड़ी है दूर और पुलिस दिख रही है कॉन्वॉय आने वाला है और कोने में खड़ी है भावना, किसी को रुकावट नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, अपने माइक को लेकर कानून का पालन कर रही है, कॉन्वॉय को जाने दे रही है। आप देखिए आगे, यहां पर खड़ी है और दाहिने तरफ पुलिस कॉन्वॉय जाएगा लेकिन इस शख्स को आप देखते रहिए, ये नीली शीट नीली टी शर्ट में व्हाइट धारियों वाला आदमी प्लेन क्लोथ्स में, ये सुरक्षा कर्मी है, पुलिसमैन है, हमें नहीं पता, पर इसका किरदार आप आगे देखिए, देखते रहें, ये देखिए फिर आए लोगों को पीछे कर रहे हैं, सिविल ड्रेस में, पुलिस की दबदबा है कुछ उनका, क्योंकि पुलिस वाले भी उनको बड़ी इज्जत से देख रहे हैं, कौन है ये नीले टी शर्ट में जो सफेद धारियों वाली टी शर्ट पहने हुए हैं, और आप देखिए इनको, आगे का वीडियो दिखाती हूँ, हर सारे पुलिस वाले उनकी बात सुन रहे हैं और पुलिस कर्मियों के साथ खड़े हुए हैं प्लेन क्लोज में, और ये हमारे रिपोर्टर मनोज यहां पर खड़े हैं, वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिएगा आगे की बात, यहां सारे रिपोर्टर खड़े हुए हैं, कॉन्वॉय आने वाला है, पीछे हटाया जा रहा है लोगों को, आप देखते रहिए, नीली टी शर्ट वाले आदमी फिर आएंगे, और ये यहां पर ये ई रिक्शा आती है, ये ई रिक्शा आती है और इस ई रिक्शा को आगे जाकर अगर आप देखें तो किस तरह से एक तरह से पुलिसकर्मी ही उसमें बैठे हुए और किस तरह से ये ई रिक्शा वहां अप्लाई कर रही हैं, किसी को कुछ नहीं हो रहा, यहाँ काम है बिल्कुल, नीली टी शर्ट वाले आदमी, अब ये रिक्शा जाती है और पुलिस कर्मियों के साथ बैठी ये महिलाएं हैं और फिर कहते हैं कि ये गाड़ी लग गई जी, पुलिसकर्मी साथ बैठे हुए हैं इन महिलाओं के, आप देखिए आगे का वीडियो, सरदार जी से चढ़ा नहीं जा रहा है, ये पंजाब पुलिस का हाल है, लेकिन महिला रिपोर्टर महिला पत्रकार को अरेस्ट करने में बहुत जल्दी, ये देखिए किस तरह से चढ़ रहे हैं ये, अब ये देखिए, अब इसमें देखिए दोनों जगह, यहां पर और यहां पर, ये नीली टी शर्ट वाले आदमी हैं कौन जो बार बार इंटिमिडेट कर रहे हैं सबको पीछे हटा। अब ये सुनिए, अब इसमें साउंड अप करिए और सुनिए कि किस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। ऑडियो दीजिए अनुपम जी। ये नीली टी शर्ट, पूरा वीडियो अगर ऑडियो के साथ सुनाया जाए। पाजी कितने लेके चल रहे हो? पाजी क्यों लेके कितने चल रहे हो? आपको ये वीडियो में दिखाती रहूंगी। इस वक्त मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी किस तरह से एक रिपोर्टर को डराने धमकाने का काम कर रही है। मनोज तिवारी जी, भावना किशोर, मृत्युंजय कुमार और परमिंदर तीनों हिरासत में है, कल रात से 20 घंटे लगभग हो चुके हैं। एक पत्रकार को इनविटेशन पर एक पब्लिक इवेंट चीफ मिनिस्टर का अगर
अलाउ नहीं किया जाए और उसके बाद उसे अरेस्ट कर दिया जाए और उसमें ऐसे ऐसे सेक्शन लगा दिए जाए, तो क्या इसमें शीश महल के बदले की भावना की बू नहीं आ रही आपको? नाविका जी, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी अपने पतन के गर्त पे पहुंच गई है। बहुत जल्दी इन लोगों को इनके किए की सजा मिलने वाली है। कल मैं पंजाब में ही था जब ये घटना घटी और हम लगातार देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इनका पर्दाफाश हुआ है, इनके चरित्र का, इनके भ्रष्टाचार का, इनके शीश महल का, तो अब इनके पास कुछ बोलने को तो रह नहीं गया। अब ये पत्रकारों को पनिशमेंट देने के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं और मेरा मानना है कि नविका जी, आपका ये कदम, आपके चैनल का ये कदम, ये चाहे लाख कुछ कर लें, अब इन लोगों को जनता भी अपने नजरों से गिरा रही है। कल मैं 15-15, 20-20 हजार की सभा किया और उस समय मुझे सभा में पता चला, मैंने सभी को ये बात सूचना दी। मैं हैरान हूं कि एक पत्रकार को इस तरह से आप झूठी बात करके FIR करवा रहे। ये तो SC समाज के साथ भी बड़ा धोखा है। अगर इस तरह से इस कानून का दुरुपयोग किया जाएगा तो सही मायने में जो केस होते हैं उनको भी लोग शंका की दृष्टि से देखेंगे। तो मैं समझता हूं पूरे समाज को इसका प्रतिकार करना चाहिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कल रात में लुधियाना जहां वो बच्ची बंद थी, वहां भी लुधियाना के बहुत सारे आम लोग वहां थाने पे थे और पंजाब के गली गली गांव गांव में इसकी गूंज पहुंच गई है। चौथा स्तंभ का हम सम्मान करते हैं। आप मनोज तिवारी की कुछ गलत बात हो गलत दिखाओ, सही बात हो सही दिखाओ, अगर इस पे हम कोई रिएक्ट करता है, अगर इसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अगर इस तरह से हरकत करते हैं तो ये इनके पतन का कारण बनेगा। बाकी चौथा स्तंभ हमेशा निष्पक्ष रहा है और हम समझते हैं इस डरा धमका के निष्पक्षता को तोड़ा नहीं जा सकता। मनोज तिवारी जी, आज 20 घंटे हो चुके हैं लेकिन अब तक हमारे हाथ में FIR की कॉपी नहीं है। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, सत श्री अकाल, की हो गया हाल पंजाब का तुहाडे सामने है। आपको ये बताना चाह रही हूं कि अब 20 घंटे होने को आ गए, हमें FIR की कॉपी भी नहीं दी गई, हमारे लॉयर वहां वेट कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगला कदम क्या होगा और तब तक भावना किशोर, मृत्युंजय कुमार और परमिंदर अब भी पुलिस कस्टडी में है, कोई कह रहा है जुडिशियल कस्टडी में है। फैक्ट्स ऑफ द केस भी हमें नहीं बताए गए हैं। ये किस तरह का कानून है? पंजाब में कोई अलग कानून है? नविका जी, पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जिसका मुझे बहुत ज्यादा खेद है। भावना एक लड़की है, आप पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, पर मैं आपको एक पंजाब की खूबी बताता हूं। पंजाब के अंदर जट जेड़े में पंजाबी से इस करके गल कर रहे हैं कि भगवंत मान ने गल सुने, जट कभी औरतों से मुकदमे दर्ज नहीं करते। जट सब कुछ कर सकता है, जट जान दे सकता है, जट जान लै सकता है, पर जट कभी किसी औरत से मुकदमा दर्ज नहीं करता। यह सब तो नीवे पद्धर का काम भगवंत मान ने किया है। अज जटा भी इसने बदनाम किया है। क्या यार, इतनी शर्म की बात है? ये कोई सीमा ही ना हो यार। तुम किसी की बहन बेटी को इसलिए मुकदमा दर्ज करके अंदर बंद कर रहे हो, तुम सबक सिखाना चाहते हो। तुम कह रहे हो, अभी मैं नविका जी आप कह रहे थे शायद शीश महल का, जो ये एक्चुअल में शीश महल के लिए किया है, उन्होंने आपके टीवी चैनल को ये मैसेज दिया है और बाकी चैनलों को कान खोले हैं कि आप हमारे साथ हमारे खिलाफत करोगे या सच दिखाओगे, हमारे पोल खोलोगे, हम तुम्हारे लोगों को बंद करेंगे। और मैं नविका जी आपको एक बात बताना चाहता हूं, शायद आपके जहन में ये बात है या नहीं मुझे नहीं पता, पंजाब के सभी चैनल जो हैं वो बंद कर दिए चुके हैं। इसी तरह कोई चैनल का आदमी कोई न्यूज नहीं दिखा सकता आम आदमी के खिलाफ। जैसे ही दिखाता है उसके ऊपर पॉस्को का मुकदमा, उसके ऊपर ड्रग्स का मुकदमा, बुक्की का मुकदमा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये हमने देखा भी है और कल कुछ पत्रकारों ने कोशिश भी की पूछने की कि ये क्यों ले जाई जा रही है भावना किशोर और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट, तो उनको भी रोका गया। सुनने में ये भी आ रहा है कि किसी की नौकरी भी शायद चली गई है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जुड़ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आज बड़ा दिन है इसीलिए क्योंकि भारत
देश हमारा एक चौराहे पे आकर खड़ा है। एक चैनल टाइम्स नाउ नवभारत यहां पर रहकर एक ऑपरेशन शीश महल करता है, लोगों के सामने सिर्फ पत्रकारिता के द्वारा सच पहुंचाने की कोशिश करता है, शीश महल का पर्दाफाश करता है, और आज उसका यह नतीजा है कि पिछले दो हफ्तों से 3-4 रिपोर्टर को मारा गया, और आज लुधियाना में कवर पब्लिक फंक्शन कवर करने गई भावना किशोर और उनका वीडियो जर्नलिस्ट और ड्राइवर, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, अब ये देश क्या इसी तरह से चलेगा, क्योंकि हर तरफ पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा है, तो पत्रकार जाएंगे कहां? देखिए, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और पंजाब में जिस तरह के हालात हैं, दिल्ली का जो मॉडल आम आदमी पार्टी ने मीडिया को लेकर के बनाया था, पहले पैसे के दम पर और बाद में पुलिस के दम पर मीडिया को मैनेज करना, धमकाना, और मीडिया को अपनी तरह से अपनी ही न्यूज को पब्लिश करने के लिए मजबूर करना, और उसके लिए साम दाम दंड भेद सब तरह की नीति को अपनाना, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज हालात ये हैं कि पंजाब में मीडिया के लिए ट्रांसपेरेंटली रिपोर्टिंग करना भी संभव नहीं है। मैं तो, क्योंकि पंजाब से मेरा लंबा जुड़ाव रहा है और मैं कल रात ही पंजाब से लौटा हूँ, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम इसका जो है कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं कि भावना किशोर को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, तुरंत उनको रिलीज करना चाहिए। तुरंत रिलीज करना तो दूर, गजेंद्र शेखावत जी, हमें एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई है, एक प्रेस रिलीज है जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कौन से सेक्शंस लगे हैं, लॉयर्स वहां खड़े हुए हैं, वकील खड़े हुए हैं, लेकिन एफआईआर की कॉपी तक नहीं है, क्या ये देश का कानून है? दुर्भाग्यपूर्ण है। कल तो ये कहा गया था कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट के केस में भावना किशोर को अरेस्ट किया गया है, बाद में यह समाचार आया कि उस गाड़ी में भावना थी नहीं, तो आज सुबह समाचार आया कि उसको SC ST केस में जो है वो उनके अगेंस्ट रजिस्टर किया गया है। मुझे लगता है कि पहले जिस तरह की परिपाटी रही है पंजाब में, पॉक्सो से लेकर के NDPS तक किसी भी तरह का मुकदमा किसी भी पत्रकार के या फोटो जर्नलिस्ट के या वीडियो जर्नलिस्ट के खिलाफ दर्ज किया जा सकता है, तो लेकिन अंततः भारत में न्यायपालिका जिस तरह से शक्तिशाली है, निश्चित रूप से जीत होगी, और एक बार फिर इस कठिनाई के दौर से भी हम सब लोग निकल पाएंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम्स नाउ नवभारत के साथ जुड़ने के लिए। मैं इस वक्त एक ही सवाल लेकर खड़ी हूं, FIR की कॉपी कहां है? FIR की कॉपी क्यों नहीं दी जा रही? क्यों कानून को इस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है? क्या पंजाब पुलिस इतनी कमजोर है कि पंजाब पुलिस सेक्शंस भी नहीं लगा सकती, नियम कानून भी नहीं फॉलो कर सकती, कि एक महिला पत्रकार को जब अरेस्ट किया जाए तो वहां पर एक पुरुष पुलिसकर्मी बैठ जाए उसके साथ गाड़ी के अंदर, इस तरह से वहां प्लेन क्लोज में सिक्योरिटी पीपल आकर डराने धमकाने का काम करें और उसके बाद उल्टा केस थोप दें भावना किशोर पर, यह कह के कि SC ST एक्ट का उल्लंघन है, ये किस तरह का कानून है? और मैं ये साफ करना चाहती हूं आज दर्शकों के सामने, टाइम्स नाउ नवभारत अपनी सच की जो धर्म पर की राह पर चल रहा है वो चलता रहेगा। टाइम्स नाउ सच से पीछे हटने वाला नहीं है। ऑपरेशन शीश महल में जब भी हमारे पास कुछ आया है, हमने दर्शकों के लिए, दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखाया है। अगर इस अरेस्ट के बाद अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी समझती है कि हम डर जाएंगे, मुकर जाएंगे, हट जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम खड़े हैं, हम आज भी खड़े हैं। और मेरी चुनौती है अरविंद केजरीवाल जी को, खड़ी हूं मैं स्टूडियो में, नोएडा में है, कोई बात नहीं, योगी जी से कह दूंगी कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, आइए अरेस्ट कीजिए, मैं खड़ी हूं यहां पर, आप चाहेंगे तो आपके शीश महल के सामने आकर मैं खड़ी हो जाती हूं, आप मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं जरूर करिए, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स को डराने धमकाने का काम मत करिए। इस वक्त जयपुर में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और ये पूरा कामना हमारी योग्यता थूक कर चाटने की है,
इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं और ऑपरेशन शीश महल, लोगों में गुस्सा है, ऑपरेशन शीश महल की कवरेज आ रही है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये आम आदमियों के सवाल हैं। हमारे सवाल तो हैं, आम आदमियों के सवाल हैं। सुन लीजिए क्या सवाल है। पीछे पीछे रखना है इसको, ये पीछे बिल्कुल। और मैं अवनी जेश अवस्थी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि मीडिया पर इस तरह का प्रेशर करके अरेस्ट करने के बाद टाइम्स नाउ नव भारत इस कवरेज से हट जाएगा, और क्या यही इनकी कोशिश है? नाविका जी, पहली बात तो ये कि जयवीर शेरगिल और सिरसा साहब दोनों पंजाब से हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, पंजाब की संस्कृति में किसी महिला के प्रति ऐसा असंवेदनशील मसला दिख ही नहीं सकता। ये पंजाब की एक लोग जो स्थानीय सोच है ना वहां की आम सिख की, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, और मुझे लगता है कि पंजाब की संस्कृति में पंजाब के लोग इसके बहुत खिलाफ होंगे। दूसरी बात नाविका जी, वो तमाम लोग कहाँ हैं जो कल तक कह रहे थे कि भारत जो है मीडिया की आजादी में बहुत नीचे आ गया है, आज उनमें से किसी का भी मुझे ट्वीट नजर नहीं आया, किसी का कोई बयान नहीं। ये सिर्फ टाइम्स नाउ का मसला नहीं है, ये पूरा मीडिया जो है, ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी चैनल इस खबर को क्यों नहीं दिखा रहे, बाकी चैनल क्यों नहीं खबर इस खबर को दिखा रहे। और मैं तो खास तौर से कहता हूं नाविका जी कि अरविंद केजरीवाल के राजनीति में आने में, उनके आंदोलन में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मीडिया के एक तरीके से तो ब्लू वाइट बॉय रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, कम से कम मीडिया के साथ तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पॉलिटिकल अपने ओपोनेंट के साथ वो करें, किसी भी तरीके का व्यवहार करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात सबसे बड़ी यह है कि जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, और आपने इतना बड़ा साहस का मुद्दा दिखाया, आपके रिपोर्टर्स के माइक छीन के भाग गए, हाथापाई हुई, मुझे लगता है कि वो तमाम लोग जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने आते हैं वो कहाँ चले गए हैं, वो हैं कहाँ? मैं तो बिल्कुल मैं अभी जी आपको रोकना चाहती हूँ। और अलका लांबा जी कांग्रेस पार्टी से हैं और हमारे साथ जुड़ रही हैं। अलका लांबा जी, हमें ऑपरेशन शीश महल का अवार्ड मिल चुका है, भावना किशोर को अरेस्ट कर लिया गया है, और हमारे कैमरा पर्सन वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय कुमार और ड्राइवर को भी अरेस्ट कर लिया गया है लुधियाना में। हमें तो अवार्ड मिल गया, पिछले दो हफ्तों से हम ऑपरेशन शीश महल उजागर कर रहे हैं जनता के सामने, तो चार रिपोर्टर पीट चुके हैं और अब तीन लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है पंजाब में? नविका जी, सबसे पहले तो आज एक दुर्भाग्य है हम सभी का कि चीजें दूध के दूध पानी की तरह साफ दिखते हुए भी समझ नहीं आ पा रहा क्या सही और क्या गलत है। बिल्कुल आपके इस जो स्टिंग, जो भी आपकी रिपोर्ट थी, शीश महल 45 करोड़ रुपया, एक वो आम आदमी को खुद को कहने वाला जो रामलीला मैदान से भ्रष्टाचार के खिलाफ पारदर्शिता जन लोकपाल की बात करके आया, आपने उस पर सीधा वार किया, आपने उसे बेनकाब किया। और अब ये जो कार्रवाई है ये स्वाभाविक है, दिख रहा है बदले की भावना से हो रहा है ना। और आज आप कह रहे मीडिया के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन दूसरा मीडिया के लोग खामोश हैं, एक दिखना चाहिए। सेम जो जंतर मंतर पे हमारी खिलाड़ी बेटियां बैठी हैं न्याय के लिए, वो भी कहती हैं कि दूसरे खिलाड़ी खामोश क्यों हैं। और हम लोग जब बात करते हैं संवैधानिक संस्थाओं को लेकर कि किस तरह से राजनीतिक दबाव में है, सत्ता के दम पर पुलिस का, सरकार का, प्रशासन का, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, साफ दिख रहा है किस तरीके से आपने अगर उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई तो आपकी आवाज को किसी भी स्तर तक जाकर कुचलने की कोशिश है। तो बिल्कुल मैं कहूंगी ये अपनी सत्ता, अपनी ताकत का एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, एक ऐसा प्रदर्शन है जो हमें, अरे समाज के लिए जो भी आवाजें उठाएगा, जो भी किसी को भी किसी भी मामले में अगर इस तरीके से बेनकाब करेगा तो ये आज है। और तो वही बात है कि हम बट चुके हैं, साफ से बात है बट चुके हैं, साफ सब कुछ दिखने के बावजूद भी हम मुंह पे आकर नहीं कह रहे कि हाँ। लेकिन क्या राजनीति इतनी बट चुकी है? सुखजिंदर सिंह रंधावा जी कांग्रेस के बड़े लीडर, पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंधावा जी, क्या हम इतने बढ़ चुके हैं इस देश में कि एक दूसरे को चुप करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं? एक राजनीतिक दल दूसरी राजनीतिक दल पे तो उंगली उठाता है, रोज उठाता है, लेकिन पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार, क्या इस देश में इस तरह से कानून व्यवस्था रहेगी? देखिए, जो कल आपकी जो रिपोर्ट रहे भावना,
उसके साथ जो हुआ है अनप्रेसिडेंटेड है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक महिला दिल्ली से आई और उसके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगा दिया जाए। ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट और डायरेक्ट प्रेस के ऊपर एक अटैक है कि प्रेस का मुंह बंद करने के लिए। अगर प्रेस ही खत्म होगी तो फिर देश क्या करेगा? तो ये तो प्रेस बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है आज देश के सामने कि अगर सारे मीडिया कर्मियों का मुंह बंद कर दिया गया तो देश क्या करेगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी, आज ऑपरेशन शीश महल का अवार्ड मिल गया है टाइम्स नाउ नवभारत को, उसकी रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, भावना किशोर, मृत्युंजय कुमार और परमिंदर हमारे ड्राइवर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सिर्फ जुर्म उनका इतना है कि वो एक पब्लिक फंक्शन जहां दो मुख्यमंत्री हैं और जिसका इनविटेशन दो इनविटेशंस आए थे, दो मुख्यमंत्री वहां पर हैं, पर उसको कवरेज के लिए गए हुए रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये क्या नए रूप का लोकतंत्र है आज इस देश में? मैं सबसे ज्यादा पहले निंदा करता हूं इस गिरफ्तारी की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, देश का लोकतंत्र चार स्तंभों पर टिका हुआ है जिसमें पत्रकारिता एक स्वतंत्र निष्पक्ष है और बाय एंड लार्ज भारतवर्ष में पत्रकारिता का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, इसमें एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि जो एक पत्रकार दिल्ली से गई कार में बैठी और उनको कैसे मालूम कि ये एक इस जात का है, यानी कि दलित वर्ग का है या हरिजन वर्ग का है, तो उसको जात सूचक शब्द से कैसे इस्तेमाल वो पत्रकार कर सकती है जब उसको बेचारी को ये भी नहीं मालूम ये कौन सकते है, ये कौन सकते है, ये कौन सकते है। उस पर हरिजन एक्ट लगाना इस केस के दिवालियेपन का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। लगता है कोई सवाल जो नहीं चाहते थे वो पूछा गया, कोई सवाल जो चुभ गया, कोई सवाल, अरे तो लोकतंत्र में जब आप आरोप लगाते हो, हमारे ऊपर लगाते हो, तो हम तो इस तरह की घटना नहीं करते। सत्ता के नशे में चूर होकर इस तरह की घटनाएं नहीं करनी चाहिए और यही पत्रकारिता है जिसने आपको उस कुर्सी तक पहुंचाया है, वरना इतिहास शायद पत्रकारों को अपना याद कर लेना चाहिए कैसे इनको उभार के पहुंचाया है। चलिए वो भी पत्रकारों की ही गलती होगी कि तब के मौसम में आपने कहा कि हमने इनको उठाकर ऊपर रखा है, तो ये भी हमारी ही गलती है। चलिए आपकी आपकी गलती दर्शाना सर आंखों पर सीख लेनी पड़ेगी शायद पत्रकारों को, और सोचना पड़ेगा कि अगर रिपोर्टिंग करनी है तो कितना सच दिखाना है, नाप तोल करना पड़ेगा। क्या ये दिन आ गए हैं कि पत्रकारिता अब एक तराजू पर नाप तोल कर की जाए कि ये अगर अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं तो हमें मुस्तकबिल में झांक कर देखना पड़ेगा कि ये कल क्या बन सकते हैं, इसलिए आज इन पर रिपोर्ट मत करो। इस तरह की टिप्पणियां भी शायद हमारे लिए एक सबक है, सबक ही सीख रहे हैं आजकल सबसे। लेकिन मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं देश के वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट क्रिमिनल लॉयर सिद्धार्थ लूथरा जी। सिद्धार्थ लूथरा जी नमस्कार, आपने कई बार आप बहुत बिजी हैं और आपने कई बार हमें पत्रकारों को अपना सपोर्ट दिया है, हमारे केसेस पर किस तरह के सेक्शंस लगाए जाते हैं इन सब में आप हमारे साथ कई बार जुड़े हैं। तो सिद्धार्थ लूथरा जी, आज मेरा सवाल आपसे यही है कि 20 घंटे हो चुके हैं, हमें अब तक एक फॉर्मल एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई, हाथ में जो है वो है लुधियाना पुलिस का एक प्रेस रिलीज। पत्रकार हमारी भावना किशोर जिसे अरेस्ट किया गया है, उसे अरेस्ट करने वक्त एक पुरुष पुलिसकर्मी उसके साथ बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर अपना नेम प्लेट नेम बैज हटाकर। क्या ये कानून कहता है कि इस तरह से होना चाहिए? ये सब कानून के उल्लंघन है। नेम बैज होना चाहिए,
लेडी को उठाने के, किसी औरत को अरेस्ट करने के लिए लेडी पुलिस ऑफिसर, वुमन पुलिस ऑफिसर चाहिए, और एफआईआर मिलना हक है, ग्राउंड अवेयरनेस मिलना हक है, और ये नहीं किया जा रहा। नाविका जी, आपको एक आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो प्रेस पे मीडिया पे अटैक है, ये पहली बार ही नहीं हो रहा, ये होता रहा है और होता रहेगा जब तक कि आप लोग एकजुट होके कोर्ट नहीं जाएंगे और कहेंगे कि प्रेस का हक है कि हम चीजें हम लोगों की नजरों में ला सकें कि समाज में क्या सही नहीं है। और अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको, आपने कहा कि आपको ये अवार्ड मिला है, ये अवार्ड मिलना गलत है। आप किसी को अरेस्ट करना, किसी बेगुनाह को ऐसे अरेस्ट करना, मेरा मानना है कि एकदम कानून के विरुद्ध है। मेरी उम्मीद है कि जब जहां भी आप कोर्ट में जाएंगे, अब जो हो गया तो हो गया, पर चाहे मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट, जहां भी आप जाएंगी, आपको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी अदालत को देखना पड़ेगा कि अगर आप बेगुनाह जर्नलिस्ट को अरेस्ट होने दोगे तो समाज में सुधार कैसे आएगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, एक बहुत अहम सवाल ये है कि भावना किशोर पर एससी एसटी एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई हैं, और मुझे लगता है कि इसका सिर्फ एक ही कारण है कि इस केस में, इस धारा में शायद बेल नहीं मिलती। एससी एसटी एक्ट लगा देना जबकि हर चीज, हमारे पास एक ही हथियार है, हमारा कैमरा या हमारी कलम, और हमारे पास कैमरा में मौजूद है कि कोई ऐसी बात हुई ही नहीं, बल्कि डराया धमकाया जा रहा था भावना किशोर को, बावजूद इसके एससी एसटी एक्ट लगा देना, क्या ये एक प्रेशर टैक्टिक्स, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स नहीं है? देखिए, एससी एसटी एक्ट भावना के विरोध नहीं लगा, ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि अगर इन्होंने किसी और को भी अरेस्ट करना है तो एंटिसिपेटरी बेल नहीं लगती, एससी एसटी एक्ट में एंटिसिपेटरी बेल नहीं लगती, और बेल लेना भी मुश्किल होता है, इसीलिए ये लगाया जाता है। और एफआईआर देखने पर पता लगेगा कि इसमें क्या दम है। मेरा तो मानना है कि अगर कोई जाता है ऑन इन्विटेशन किसी फंक्शन में, अगर किसी से उनकी ऑल्टरकेशन भी हो जाए या ब्रश साइड बीच कर जाए या कोई चोट भी लग जाए, तो एससी एसटी एक्ट लगाना क्या जरूरत है। अगर कभी होता ही है कि गाड़ी से अगर किसी से टक्कर भी आपकी लग जाए, तब भी दोनों जो ऑफेंसेस रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के, वो बेलबल है, वो अगर चोट भी आ जाए। सिद्धार्थ, मैं एक मिनट के लिए आपको रोकूंगी क्योंकि हमारे साथ इस वक्त देश के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी जुड़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी नमस्कार। आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। हमारी रिपोर्टर 20 घंटे से पुलिस कस्टडी में है लुधियाना में, पब्लिक फंक्शन पर जिसका इनविटेशन हमें आया था उसको कवर करने गई थी, जहां दो मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान, और बावजूद इसके एक पुरुष पुलिसकर्मी अरेस्ट कर ले जाता है भावना किशोर को। क्या मीडिया के ऊपर इस तरह से प्रहार, आप इसको कैसे देखते हैं और इस पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, मैं पहले तो इसकी निंदा करता कि अगर इस स्तर तक राजनीति होगी और इतनी गिरावट आएगी और इतनी बौखलाहट आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रही है। आप शीश महल बनाते हैं, करोड़ों रुपए अपने घर के रेनोवेशन पर खर्च करते हैं, आप साथ वाले प्लॉट खाली करा के अपना मकान बड़ा कर लेते हैं, सरकारी आवास। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कभी सरकारी बंगला नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, सबकी धज्जियां उड़ा दी, बड़ी गाड़ी ले ली, दो दो राज्यों की सुरक्षा ले ली और अपने सरकारी आवास पर 45 करोड़ रुपया शीश महल बनाने के लिए खर्च किया। आप उसका जवाब तो नहीं दे पा रही आम आदमी पार्टी और उनके नेता, लेकिन इतनी ओछी हरकत तक उतर आए हैं कि पत्रकारों को पहले पीटना, टाइम्स नाउ नव भारत के पत्रकार के साथ जो दिल्ली में हुआ धक्का मुक्की पिटाई से लेकर, ये एक नहीं दो घटनाएं और अब ये तीसरी, मुकदमा दर्ज कर देना। शायद ही हिंदुस्तान में इस स्तर तक कोई सरकार गिरी हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये वही लोग हैं जो मीडिया के चलते बने थे, जो कभी कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे। आज इनकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई नजर आती है और किसी महिला पत्रकार के साथ इस तरह का व्यवहार
क्या ये आम आदमी पार्टी को शोभा देता है? ये अपने आप में प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है इनकी सोच और महिलाओं के प्रति इनकी सोच का। अनुराग ठाकुर जी, ये तीसरी नहीं चौथी घटना है। पहले दिन राकेश पांडे को पीटा गया, दूसरे दिन हिमांशु दीक्षित को पीटा गया, तीसरे दिन कुंदन का माइक भी छीन लिया गया और उसको धक्का मुक्की की गई, और अब चौथा इंसिडेंट ये है। मैं पूछना चाहती हूं, ये लगातार चार इंसिडेंट्स उसके बाद शुरू हुए हैं जब से टाइम्स नाउ नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल ना सिर्फ बाहर और दस्तावेजों के साथ दिखाया कितना खर्चा हुआ, हमने अंदर की तस्वीरें और शानो शौकत और आलीशान मकान भी दिखाया, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि आज इस देश में क्या पत्रकार महफूज है अपना काम करने के लिए? हमारा एक ही धर्म है, सच दिखाना और दर्शकों को दिखाना। हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अनुराग ठाकुर जी, आप मंत्री हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि हमारे लिए इस वक्त क्या प्रोटेक्शन है, हम क्या कर सकते हैं अगर हर राज्य इसी तरह के केसेस हम पर थोपता रहे? क्या इस पर सोचने का वक्त आ गया है? कहां गए वो एडिटर गिल्ड वाले सारे पत्रकार? कहां गए वो जो सम्मान वापस करने वाली बातें करते थे? कहां गए वो लोग जो आज ये नहीं देख रहे कि देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस के पत्रकारों के ऊपर अगर हमले हो रहे हैं तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि क्या एक राज्य की सरकार और एक पार्टी जो भ्रष्टाचार में लगातार डूबी है, जिनके अधिकतर नेता जेल में है, कोई शराब घोटाले में, कोई स्वास्थ्य के तो कोई अन्यों में, और जिनके वीडियोस भी इस तरह के आजकल सर्कुलेट हो रहे हैं जो शायद दिखाने भी मुश्किल हो सकते हैं, जिनके लोगों के नाम सट्टे से लेके बाकी सब में आता है, और अगर मीडिया उसको उजागर करता है तो टाइम्स नाउ जैसे ग्रुप पर, टाइम्स नेटवर्क पर, इनके पत्रकारों पर अगर प्रहार किया जाता है तो चिंताजनक तो है ही। लेकिन आप पुलिस का दुरुपयोग करने तक आ जाएं, मारपीट पे आ जाएं, इससे जब ये बात आती है फ्रीडम और स्पीच की, अभिव्यक्ति की, आजादी की, या फ्री प्रेस की आप बात करते हैं, तो राज्यों में जो कानून व्यवस्था थी तो राज्यों की सरकारों के हाथ में है, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग परिस्थितियां और छवि खराब करते हैं। लेकिन हमारा इंतजार जारी है, हमें एफआईआर की एक कॉपी भी नहीं दी गई। लेकिन अनुराग ठाकुर जी, हमारी सब पत्रकारों की आपसे दरखास्त रहेगी कि इस मुद्दे पर सिर्फ निंदा से शायद अब काम नहीं चलेगा, पानी सर के ऊपर हो गया है, कहीं ना कहीं इस पर पत्रकारों के लिए संरक्षण होना चाहिए, कानूनी तौर पर होना चाहिए। कम से कम इतनी तो मेरी आपसे दरखास्त रहेगी कि इस पर विचार करने का समय आ गया है। लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी भी जुड़ रहे हैं इस वक्त, जो पंजाब में हैं। हरदीप पुरी जी, क्या कहूँ आपसे, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, लेकिन गुड मॉर्निंग ये है नहीं हमारे लिए। पिछले 20-21 घंटों से हम अपने रिपोर्टर भावना किशोर, जो अरेस्ट कर ली गई है, अपने वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय कुमार और ड्राइवर परमिंदर की इंतजार में बैठे हैं। हमें अब तक 20 घंटे में एक एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई है। लुधियाना पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जरूर जारी किया है जिससे हमें सेक्शंस का अंदाजा हो रहा है। ये किस तरह का कानून है पत्रकारों के लिए? क्या अब इस लोकतंत्र में पत्रकारिता जुर्म है? नविका जी, सबसे पहले तो सत श्री अकाल। ये सत श्री अकाल जो हमारी ग्रीटिंग है ना, ये सबसे बढ़िया ग्रीटिंग है। ये मॉर्निंग, इवनिंग सबको कवर कर लेती है, बट सत श्री अकाल इसकी जो अर्थ है, मैं आपको ये सिर्फ यही कहूं, मैं तो ये जो उन्होंने ये अरेस्ट की है, दिस इज अ न्यू लो इन पॉलिटिक्स and reflects a height of desperation which is being shown. हम ये बेचारी 23-24 साल की आपकी पत्रिका who's probably just started her career to pick on her and to arrest her for an expose you are doing on the आम आदमी actions in Delhi, वो जो उनका वो जो शीश महल उसके बारे I think it is on that. उसके अलावा डेमोक्रेसी कैसे चलेगी कि जिसमें डेमोक्रेसी में जो मेजर स्टेक होल्डर्स है प्रेस, आप उनको जब गिरफ्तार कर लें एकदम, जो आप बता रहे हैं कि कई घंटों से आपको एफआईआर की कॉपी नहीं मिल रही, आपका उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, मुझे तो हैरानगी है। मुझे पता है यहाँ पे आम आदमी पार्टी के खिलाफ पंजाब में
कहा जा रहा है जो 13 महीने पहले चुनाव हुआ था उनको जो ऑक्सीजन मिली थी स्टेट चलाने को, वो ऑलरेडी 13 महीने में उन्होंने खो बैठी है। पर उसके अलावा वो कर क्या रहे हैं? दो मंत्री उनके वहां पे है, एक उनका मंत्री उनके खिलाफ पे यहाँ पे वीडियो क्लिप चल रही है उसने, और जो उसका विक्टिम है उसने भी कहा कि जो वीडियो क्लिप में ठीक है, और इसके बाद इस जर्नलिस्ट अरेस्ट। आई थिंक दिस इज अ न्यू लो इन पॉलिटिक्स एंड डिजर्व्स टू बी कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सिर्फ मैं नहीं, हमारे साथ सब जो है आप ही के साथ हैं, एंड मोर स्ट्रेंथ टू टाइम्स नाउ। मैं तो बाकी के चैनल से भी अपील करूंगा कि ये जो अरेस्ट हुई है, दिस इज नॉट जस्ट एन आर्बिट्ररी एंड अनजस्टिफाइड डिटेंशन। यू कैनॉट रन गवर्नेंस सिस्टम लाइक दिस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हरदीप पुरी जी, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भावना किशोर, मृत्युंजय कुमार और परमिंदर अब भी हिरासत में हैं, और उनके परिवारों का क्या? क्या पत्रकारिता करने से अब लोग रोकेंगे लोगों को? मैं 32 सालों से पत्रकारिता कर रही हूं, इस तरह का दौर मैंने कम से कम पहले नहीं देखा कि सच्चाई उजागर करने के लिए 10 दिन में 4 इस तरह के प्रहार किए जाए, 3 रिपोर्टर्स को मारना, धक्के देना, अब धक्का मुक्की तक तो समझ में आया, माइक लेकर आप भाग गए समझ में आया, लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता और कैमरा पूरा सच दिखा रहा है, किस तरह से जबरदस्ती भावना किशोर को अरेस्ट किया गया है। आप अब इस तरह के कानून के सेक्शंस लगाने लग जाएंगे, अरेस्ट कर लेंगे पत्रकारों को, एक पब्लिक फंक्शन पर भी पत्रकारों को इजाजत नहीं रहेगी? हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारी कलम और हमारा कैमरा, टेलीविजन जर्नलिस्ट के लिए सिर्फ उसका कैमरा, आप उससे कैमरा छीन लेंगे, आप उसको सवाल नहीं पूछने देंगे, आप चाहते हैं कि पत्रकार मूक दर्शक बनकर रह जाए? ऐसा होगा नहीं। आप डरा लीजिए, आप धमका लीजिए केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की सरकार आज सुन ले, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो दिल्ली में हो। टाइम्स नाउ, नवभारत और टाइम्स नेटवर्क से आपने अब इस तरह का व्यवहार किया है। जब तक धक्का मुक्की हो रही थी हम चुप थे, अब हम चुप नहीं रहेंगे। हमने सोचा बौखलाहट इतनी है, चलो धक्का मार दिया, कोई बात नहीं, हो सकता है रोष में आके किसी ने किया हो, लेकिन ये आज जाहिर हो रहा है कि ये एक प्लान्ड अटैक है टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर्स पर। मैं बोलना चाहती हूँ आज कि आप कर लीजिए आपको जो करना है, ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम पीछे हटेंगे। आपके पास कानून की ताकत होगी, आपके पास कठपुतली होगी पंजाब पुलिस, आपके पास कठपुतली होगी पूरा तंत्र। हम कठपुतलियों से डरते नहीं हैं, हमारे पास एक ही औजार है, हमारी औकात छोटी जरूर है लेकिन हम में सच बोलने की ताकत भी है और सच दिखाने की ताकत भी है। हम ये सच दिखाते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, ये सच हम दर्शकों तक लाते रहेंगे। ऑपरेशन शीश महल के अगले एपिसोड का इंतजार करिए। अरविंद केजरीवाल जी, ये मेरी आपसे चुनौती है, मैं खड़ी हूं यहां स्टूडियो में, आप चाहें तो आपके घर के बाहर आती हूं, करा लीजिए मुझे अरेस्ट। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, ना मेरी टीम डरने वालों में से है, हम डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, सच उजागर करते रहेंगे, क्योंकि पत्रकारिता हमारा धर्म है, कैमरा और कलम हमारा औजार, हमें किसी भी पॉलिटिकल तंत्र से, किसी भी सत्ता वाली पार्टी से, हमें किसी से डर नहीं लगता, हम नहीं डरते। हम 30 साल गुजार चुके हैं, आगे भी गुजारते चलेंगे, हम करते चलेंगे पत्रकारिता, आप देखते रहिए। डरने वालों में से हम नहीं, जो करना है कर लीजिए। आज इस शो पर बस इतना ही, लेकिन मैं जाने वाली नहीं हूं। अनिल विज मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। अनिल विज जी नमस्कार, हमारे रिपोर्टर कुछ चंडीगढ़ और पंचकुला में भी हैं, अब हमें इस बात का भी डर है कि उनकी सेफ्टी का क्या होगा। आप
गृह मंत्री हैं हरियाणा सरकार में अनिल विज जी, भावना किशोर को जिस तरह से अरेस्ट किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे कि अब 20 घंटे बाद भी हमें रिटन एफआईआर दिखाई नहीं गई है? गारंटी है कि किसी पत्रकार को इस प्रकार के किसी केस में नहीं कुछ किया जाएगा। जहां तक आपके पत्रकार को पंजाब पुलिस ने किया है, ये बहुत घिनौनी हरकत है आप पार्टी की। पहले तो इन्होंने जो कुछ कह के ये राजनीति में आए थे, जिस प्रकार के इन्होंने नारे दिए थे, जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बात की थी, जिस प्रकार से एक सादगी भरी जिंदगी राजनीति की जीने की इन्होंने लोगों को सपने दिखाए थे, टूटी हुई चप्पल डालकर घूमते थे, गले में मफलर डाल के घूमते थे, उससे ये बिल्कुल यू टर्न हो गए हैं, बिल्कुल रिवर्स हो गए हैं। और इतने इतने करोड़ रुपए का इन्होंने अपने घर बनाए हैं, और अगर उसको मीडिया एक्सपोज करता है तो मीडिया का राइट है एक्सपोज करना, फैसला करना जनता का काम है, लेकिन मीडिया तक ठीक बात पहुंचाना ये मीडिया का धर्म है, मीडिया का ये राइट है। और अपने राइट को सर अंजाम देते हुए अगर ये आप पार्टी अपने किसी प्रदेश पुलिस के माध्यम से इस प्रकार से किसी को गिरफ्तार करती है तो ये जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। अनिल विज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अग्रसर रहेंगे अपने कर्तव्य पथ पर, कर्तव्य पथ पर हम चलते रहेंगे। दर्शकों, आपका प्यार और आपकी प्रार्थना, आपकी दुआओं की जरूरत है इस वक्त हमें भी, भावना, मृत्युंजय और परमिंदर को भी। बस प्रार्थना कीजिए कि हमें शक्ति मिलते रहे, हमें शक्ति मिलती रहे कि हम अपनी जंग जारी रखें। मनीष तिवारी जी, पूर्व INB मिनिस्टर, कांग्रेस के बड़े नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष तिवारी जी, मैं स्तब्ध हूं, मैं क्या कहूं आपसे। 20 घंटे हो गए, FIR की कॉपी नहीं, भावना किशोर, मृत्युंजय कुमार और हमारे ड्राइवर परमिंदर अब भी पुलिस हिरासत में है, पता नहीं जुडिशियल कस्टडी है, पुलिस कस्टडी है, क्या पंजाब में कोई नया कानून है, कहीं और का कानून है, क्योंकि इस देश में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अमिका जी, सरकार का फर्क होता है। आपको याद होगा जब UPA की सरकार थी 2004 से 14 तक, आप लोग कितना उग्र हमारे खिलाफ चलाया करते थे, पर हमने कभी द्वेष की भावना के साथ आप लोगों के साथ कार्रवाई नहीं की। और मैंने पंजाब सरकार से ये कहा है और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जिन भी लोगों को हिरासत में लिया गया है, अगर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है तो उनको बेल पे रिहा कर देना चाहिए, और जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया अपना काम करेगी। क्योंकि इस देश में ये अक्सर होता है कि जो प्रेस है उनमें और पॉलिटिशियंस के बीच या सरकारों के बीच तनाव रहता है, पर एक दरियादिली दिखाने की जरूरत है, एक मैग्नानिमिटी दिखाने की जरूरत है, और शायद उनको कुछ सीख हम लोगों से लेनी चाहिए जिन्होंने 10 साल तक कभी किसी पत्रकार समूह के खिलाफ कोई द्वेष से भरी कार्रवाई नहीं। मनीष तिवारी जी, आप मैग्नानिमिटी की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन शीश महल में हमने सच दिखाया तो गलती की? अब मुझे नहीं मालूम कि आपने क्या दिखाया क्या नहीं आपको दिखाया। आपको नहीं मालूम? आपके पास मैं आपका चैनल देखता कोई नहीं, बात नहीं, आपके पार्टी के कई लोग देख रहे हैं, उनसे पता कर लीजिए। अगर पार्टी में कोई मुद्दा है तो शायद शीश महल सबके लिए मुद्दा था, जहां 45 करोड़ खर्चे गए अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास के लिए। ये हर अखबार में है, सिर्फ मेरे चैनल ने जरूर मुहिम शुरू की थी, पर हर अखबार में है। और आप कह रहे हैं हम मैग्नानिमिटी भीख की तरह उनसे मांगते रहे। मनीष तिवारी जी, माफ कीजिएगा, आपने सपोर्ट दिया, आपने मुद्दा उठाया प्रोप्राइटी का, लेकिन मैग्नानिमिटी हमें नहीं चाहिए, हमें किसी की अपार दया की जरूरत नहीं है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। और जो इंसाफ है वो शायद देर से मिले लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि जब कोई गलती ना की हो, सिर्फ सच का साथ दिया हो, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं और हमें डर लगता भी नहीं। पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, अभी सत्य परेशान जरूर है मगर पराजित नहीं होगा। साजिश के बादल कितने भी घने हों, सच का सूरज उसे चीर कर बाहर आ ही जाता है, हमेशा हमने ये देखा है। ऐसा
होता आया है और ऐसा ही होगा। शीश महल के खुलासे से भले ही हमारी रिपोर्टर को झूठे केस में फंसाकर केजरीवाल बदला ले रहे हैं, लेकिन उनकी साजिश हारेगी और नवभारत का सच जीतेगा। हम लड़ते रहेंगे, हम डटे रहेंगे, ना झुकेंगे ना पीछे हटेंगे, ये आज तय है। दर्शकों, आप बस अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। नमस्कार।